भोजपत्र का नाम आते ही उन प्राचीन पांडुलिपियों का विचार आता है जिन्हें भोजपत्रों पर लिखा गया है। कागज की खोज से पूर्व हमारे देश में लिखने का काम भोजपत्र पर ही किया जाता था। भोजपत्र पर लिखा हुआ सैकड़ों वर्षों तक संरक्षित रहता है, परंतु वर्तमान में भोजवृक्ष गिनती के ही बचे हुए हैं। हमारे देश के कई पुरातत्व संग्रहालयों में भोजपत्र पर लिखी गई सैकड़ों पांडुलिपियां सुरक्षित रखी हुई हैं। चमोली जिले में इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सीमावर्ती पंचायतों में नर्सरी तैयार की जा रही है, जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही इस दुर्लभ वृक्ष को बचाया जा सके। ये भोजपत्र नीतिमाणा घाटी की जनजातीय महिलाओं की आर्थिकी का जरिया भी बन रहा है। अभी हाल ही में यहां की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनका आभार भी जताया है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री सीमांत गांव माणा आए थे। इस दौरान माणा में आयोजित सरस मेले में स्वयं सहायता समूह की जनजाति महिलाओं ने प्रधानमंत्री को भोजपत्र पर तैयार एक अनूठी कलाकृति भेंट की। जनजाति महिलाओं द्वारा भोजपत्र पर तैयार कलाकृति से प्रधानमंत्री अभिभूत हुए और उन्होंने महिलाओं द्वारा किए गए इस प्रयास की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से स्थानीय उत्पादों की खरीद पर अपने यात्रा का 5% अंश व्यय करने की अपील भी की। इसके बाद जिला प्रशासन ने भोजपत्र से निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कारगर प्रयास शुरू किए हैं। जिलाधिकारी हिमांशी खुराना ने बताया कि भोजपत्र के वृक्षों का रोपण करने के लिए नर्सरी में पौध तैयार किए गए हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जनजाति की महिलाओं का सुलेख प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। भोजपत्र एक दुर्लभ प्रजाति है, तो इसके संरक्षण के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के जो वन पंचायत क्षेत्र है, तो उसमें एक प्रारंभिक तौर पर गर्भक और कागा वन पंचायतों में इसका प्लांटेशन भी शुरू किया जा रहा है। नर्सरी इसकी स्थापित की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्लांटेशन ऐसे क्षेत्रों में किया जाएगा कि आगे के टाइम पर इसको एक डेवलप भी किया जा सके और साथ ही साथ इसका संरक्षण भी किया जाए। भोजपत्र पर महिलाओं द्वारा निर्मित स्मृति चिन्हों को तीर्थयात्रियों द्वारा काफी सराहा जा रहा है और अच्छे दामों पर खरीदा भी जा रहा है। इससे महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। महिलाओं का कहना है कि भोजपत्र की कलाकृतियों के विक्रय से उनके परिवार के भरण पोषण में मदद मिल रही है। माणा के प्रधान पीताम्बर मोल्फा और अंजू रावत ने बताया कि भोजपत्र से वे मालाएं, स्मृति चिन्ह और पूजा की सामग्री तैयार करते हैं, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा आए हैं और उन्होंने भोजपत्र के बारे में विस्तार से देश दुनिया को इसकी जानकारी दी, इसके बाद हमारे रोजगार में वृद्धि हुई है। हाइट में पाया जाता है। प्राचीन काल में इन्हीं पत्रों पर अष्टादश पुराणों एवं महाभारत की रचना की गई है। वर्तमान परिवेश में विगत वर्ष 21 अक्टूबर 2022 को हम जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का माणा गांव का दौरा था, हमने उसमें एक अभिनंदन पत्र उनको दिए। आज यही हमारा एक आजीविका का स्रोत बन गया है। हमारे गांव में भोजपत्र के पौधे पेड़ होते हैं, तो हम उनसे कई प्रकार के सामान बनाते हैं, जैसे बैज और मालाएं और जिन पर लिखा करते थे पुराने जमाने में बनाते हैं। और मोदी जी आए थे पिछले साल अक्टूबर में माणा गांव में, तो उन्होंने हमारा ये सब देखा, तो उन्होंने सबको बहुत प्रोत्साहन किया, उससे हमें आगे अपना व्यवसाय चलाने में मदद भी हो रही है।